24 मई शुक्रवार को सोलन के देवघाट में एक चलती कार आग के हवाले हो गई। आग लगने की मुख्य वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक कार कालका की तरफ से आ रही थी कि अचानक कार से धुआं निकलना शुरू हो गया। कार चालक ने जैसे ही कार को सड़क के किनारे खड़ा किया, तभी कार का अगला हिस्सा आग की चपेट में आ गया। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने अग्निशमन विभाग को सूचित किया। दमकल विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए समय पर आग पर काबू पा लिया। चलिए देखते हैं अग्निशमन विभाग के लीडिंग फायरमैन कुलदीप सिंह ठाकुर ने इस घटना पर क्या कहा। दमकल के अंदर सोलन को 1755 बजे सूचना मिली कि देवघाट में एक कार में चलती कार में आग लग गई है। जैसे ही हमें दमकल केंद्र से को सूचना मिली, मैं कुलदीप सिंह ठाकुर लीडिंग फायरमैन फायर स्टेशन सोलन अपने क्रियू सहित जो एक घटनास्थल के लिए रवाना हो गया और जल्दी जैसे ही कोई चार मिनट के अंदर हम यहाँ सोलन से देवघाट पहुँच गए और हमने आते ही आग पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। कार के अंदर बिजली का शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। 2-2.5 लाख के बीच का नुकसान जो है गाड़ी का हो गया, ये टोटल लॉस हो चुकी है। गाड़ी इसका इंजन जल गया और पीछे का हिस्सा पूरा बचा लिया गया है। अर्थ प्रकाश के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।